राम राम जी सारे दर्शकों, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गाबर बोल। सिंगू बॉर्डर पर खड़े हैं भाई, एक साल आंदोलन न हो लिया भाई, तो इस टाइम सीधी लाइव तस्वीर देखने लग रहे हो। ये देखो भाई, ये कब है, हम हैं खालिस्तानी, जो सरकार बोलिया कर दी किसान खालिस्तानी है यार। तो ये देखो भाई, ये क्या लिख रहे हैं, अगर यह किसान खालिस्तानी है तो मैं भी हिंदू खालिस्तानी हूँ। मतलब एक सरकार के मुंह पर तमाचा है भाई, जो किसाना तुम कह करते खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही, जो किसाना का अलग अलग नाम दिया करते किसान, आज तक नाम नहीं लिया था उनने, अब बोलने लग गए भाई। मोदी जी ने बोल दिया किसानों घर जाओ, पहले बोल रहे थे बॉर्डरों पर कोई किसान नहीं बैठा है। तो इस टाइम अपने के लिए है भाई, तो इन्हें पूछा गया कुकर की बात है, कहाँ तक आए हैं और जो ये लिख रखे भाई, क्यों लिखा, ऐसी क्या बात होगी थी खालिस्तानी लिखना पड़ गया। मतलब वह एक सरकार जो बोल रहे थे चीन तक फंडिंग भी आ रही है, मतलब फंडिंग की है, वह कोई फंडिंग दिखी नहीं भाई। तो राम राम जी। राम राम जी, कहाँ तक आए हो जी? मैं पंजाब से श्री मुक्तसर साहब से आया हूँ जी। अच्छा, ये क्यों लिख दिया आपने खालिस्तानी, मैं भी हिंदू खालिस्तानी हूँ भाई साहब। जब साल पहले आंदोलन की शुरुआत में जी, जो मोदी गोदी मीडिया, जो जहरीला, मैं उसको जहरीला मीडिया कहूँगा, जिन्होंने एक भयंकर युद्ध इन किसान आंदोलन के खिलाफ छेड़ा गया था कि इनको अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा था, तब कि ये खालिस्तान का आंदोलन है, ये पाकिस्तानियों का है, ये मरजीवियों का, ये आंदोलन जीवियों का है, अलग अलग नाम से इनको पुकारा गया। तब मेरे मन में एक पीड़ा हुई, दर्द हुआ कि अगर ये अन्नदाता, जो पाक पवित्र आंदोलन है, इसको अगर ये लोग खालिस्तानी बोल रहे हैं तो हाँ। फिर मेरे मन में था हल्की, भाई साहब मेरे, मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, मेरा खेती खित्ते से कोई ताल्लुकात नहीं है, खेती नहीं करते और फिर भी किसान का सपोर्ट। मेरे दिल में एक ये जनमानस का मुद्दा है, ये केवल किसानों का मुद्दा नहीं है, ये जनमानस का मुद्दा है। लोग बोल रहे थे ये तो किसानों का आंदोलन, कभी सुना नहीं था, मतलब जनमानस, हर मानस का, हर किसी का ये आंदोलन। ये जो जहरीला मीडिया है, गोदी मीडिया, ये इन्हीं के द्वारा पाला गया था। आपने ये देखा होगा कि यहाँ हिंदू भी उतने हैं, मुसलमान भी उतने हैं, सिख भी उतने हैं, हर फिरके का आदमी यहाँ पे है और इसका समर्थन मिला है। कभी देश में हुआ था ये आंदोलन की देन, देखिए आप, कभी कभी देश में ऐसा हुआ था कि एक जगह ही नारा लगता हो जी जी। तो एक और बात है, मतलब बोल रहे थे किसान है, ये दिहाड़ी पे बैठे हुए 200 रुपये 300 रुपये दिहाड़ी पे है, आतंकवादी है ये भाई साहब। 200 रुपये 300 रुपये एक दिन आ सकता आदमी, लगातार साल इतना लंबा और विशाल संघर्ष एक साल का नहीं हो सकता। ये सिर्फ उन जहरीले मीडिया ने जो इस आंदोलन को ली से उतारने के लिए करा। जी जी, किसानों की जीत हो चुकी है, तो देखते रहो आगे, ताकि शेयर करते रहो वीडियो ना। ये कहो दे भाई, हम है खालिस्तानी कहना है, मतलब जो किसान ने खालिस्तानी बोल रहे थे भाई, मुंह पे करारा जवाब दिया भाई, गोदी मीडिया जो बोल रही थी, जो बीजेपी के आदमी बोल रहे थे, मतलब खालिस्तानी बैठे ही हैं, तो आज क्यों किसान कहने लगे इन्हें। तो देखते रहो आगे, ताकि शेयर करते रहो। धन्यवाद भाई।